हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हियर इज अंकित शर्मा फ्रॉम एवरीथिंग लैब हेल्पपीडिया। एंड फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ रिव्यू ऑफ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एसएम वीडियो कटरा, जो आपकी जेएनके में सिचुएटेड है, आपकी नंबर वन यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, आपकी जेएनके की फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज एज पर एनआईआरएफ, एज पर आउटलुक एंड अदर मैगजीन्स। जो भी ये रैंकिंग निकलती रहती है आपकी एनआईआरएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग भी से रैंक करती है एज नंबर वन यूनिवर्सिटी ऑफ जेएनके। तो फ्रेंड्स, इसी के यार आज के दिन रिव्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम जेएनके एंड एज पर पीपल ऑफ जेएनके यार यहाँ के लोग इसे इवन आईआईटी से कंपेयर करते हैं। तो देखेंगे क्या ये वाकई इस लेवल की यूनिवर्सिटी है। और फ्रेंड्स, सब देखने वाले हैं, जो भी एक स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ड्यूरिंग देयर एडमिशन, तो सबका सब देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट अप टू द टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो हमारी फ्रेंड्स, ये हमने पूरी आपकी एक फाइल तैयार करके रखी है, आपकी पीडीएफ फाइल तैयार करके रखी हुई है, ठीक है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की। एंड यू कैन सी दैट इट इज रैंक्ड एज नंबर वन यूनिवर्सिटी इन जेएनके फॉर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज। सो अगर हम चलें फ्रेंड्स सीधे मुद्दे पर आएंगे यार, ज़्यादा बातचीत करेंगे आगे, तो चलिए कंपेरिजन भी करेंगे यार, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, कॉमनली इसे हम लोग यार जो भी है SMVDU के नाम से आपने सुना होगा यार, कुछ इस टाइप के नामों से सुना होगा इस यूनिवर्सिटी को। और ये आपका फ्रेंड्स, इसका एरिया देखो तो यार 470 acres का, 470 acres काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है यार आपका, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो ना अपनी IITs को भी ना कुछ के एरिया के इक्वल है, ठीक है, 300-400 acres का एरिया होता है और इसका 470 acres का, ठीक है। और कैंपस की बात करो ना, स्पेशली मेंशन किया हुआ है हमने, ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है। इफ़ यू कैन सी सम इमेजेस देन यू कैन सी हियर, देखो यार कितना बढ़िया कैंपस है, ऑन द फुट हिल्स ऑफ त्रिकुटा हिल्स, ठीक है, त्रिकुटा के फुट हिल्स पे सिचुएटेड है। एंड यू कैन सी कैंपस ब्यूटी यार, काफ़ी बढ़िया कैंपस है। अगर आप एक बार गूगल करके देखोगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा यार, जो भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ यार, ठीक है, आई एम सेइंग ट्रूथ। ओके, कटरा जेएनके में है। एंड फ्रेंड्स, इट्स नॉट इन प्रॉपर कटरा सिटी, इट इज सिचुएटेड ऑन रोड बिटवीन उधमपुर एंड कटरा, उधमपुर के भी पास ही है। तो पहले अभी हम लोग चलते हैं यार रीच पे चलते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ पे क्या पूरा कैसे पहुँच सकते हैं हम इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आगे। तो देखें तो यार पहला रूट आपको बता दूँ मैं, पहला है कैच टैक्सी फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन आपका, आप कटरा रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हो। और आपका वैष्णो देवी कटरा का जो रेलवे स्टेशन है, ट्रेन चलती रहती हैं, ठीक है, काफ़ी अधिक ट्रेन चलती रहती हैं, ठीक है, आप यहां तक पहुंचेंगे, यहां से आप टैक्सी ले सकते हैं। या फिर आपका जो एयरपोर्ट है, नियर बाय एयरपोर्ट है, वो है आपका जम्मू में, जम्मू एयरपोर्ट है, दिल्ली से मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स होते रहती हैं, ठीक है, जम्मू एयरपोर्ट में, तो आप वो फ्लाइट लेके आप लोग पहुंच सकते हैं यहां तक। ओके, एंड फ्रेंड्स आगे बात करें तो यार आपका जो अराउंड 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट और SMVDU कैंपस के बीच में यार, ये आप लोग टैक्सी वगैरह ले सकते हैं, बस लोगे तो यार जम्मू से आपको बस लेने पड़ेगी, मे भी उधमपुर तक लो, वहाँ से आपको डोमल नाम की जगह, ठीक है, वहाँ तक आपको मिनी बस लेने पड़ेगी। और वहाँ से आगे आप गाड़ी ले सकते हो अपनी मिनी बस ही यूनिवर्सिटी तक, सबको मालूम ही है, ठीक है, वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है पहुँचना है। उधमपुर तक आप ट्रेन लो, एज पर मी बेस्ट वे टू रीच देयर विल बी बाय ट्रेन, यू कैन टेक योर ट्रेन फ्रॉम अप टू उधमपुर और कटरा, और वहाँ से आप मेटाडोर लो यार अपनी गाड़ी, डोमल तक पहुँचो, डोमल से आपको कोई भी गाड़ी मिल जाएगी, आप यूनिवर्सिटी तक पहुँच सकते हो। और यार ब्यूटीफुल कैंपस है, बिकॉज जे एंड के यार आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे आपका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन, जो आपके काफ़ी यार अच्छी जगह है, ठीक है, जाना चाहिए एक बार अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो। वो फ्रेंड्स यहाँ से पास ही है, अराउंड 12 किलोमीटर के पास है यार आपकी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, शिवखोरी श्राइन 60 किलोमीटर, बागिया बहू एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर एक आपका टेंपल भी है, ठीक है, बाबा माता का जो टेंपल है आपका एक यार, ठीक है, अमर पैलेस भी पास है, अमर पैलेस भी काफ़ी बढ़िया जगह है यार, एक बार जरूर जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पर पढ़ने आते हो। पत्नीटॉप हिल स्टेशन भी यार काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, मालूम ही होगा यार आपको पत्नीटॉप के बारे में। और श्रीनगर अराउंड 280 किलोमीटर दूर है, ठीक है, श्रीनगर भी इतना दूर नहीं है। एंड इफ़ यू सी हियर फ्रेंड्स, तो आपके यार काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हमारे इंडिया की सब यहाँ पर आते रहती है, सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी आपकी कॉन्वोकेशन पर आए, जो आपकी फर्स्ट कॉन्वोकेशन हुई थी 1999 में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यार, जो हमने अभी देखा यहाँ पर, और जो पहली जो इनोग्रेशन हुई थी वो हुई थी 2004, और फर्स्ट कॉन्वोकेशन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे यार, आपके PM नरेंद्र मोदी भी आए थे, प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद भी आए थे, सब आते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड इफ़ यू गो अहेड देन, अगर यार हम लोग अभी आएंगे सीधे आपकी रैंकिंग्स, तो यार आपको बताई दी, ठीक है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स मिलती रहती है हमारे JNK में यार, सबसे बढ़िया फॉर MBA, सबसे अच्छी ब्रैकेट में है, ठीक है, 76-100, और आपकी जो यहाँ पे 78-79 के करीब रैंकिंग रहेगी, ठीक है, और BE BTech के लिए यार 78 रैंकिंग है,
और बेस्ट है हमारे जे एंड के में, ठीक है, काफ़ी बार बता चुका हूँ। और आपकी यार जो बेंगलोर में कॉलेज है आरवी कॉलेज, उसकी 70 है, ठीक है, इन सब कॉलेजेस एनएसयूटी से आगे रैंकिंग है यार इसकी, मतलब आसपास ही है, ठीक है, रैंकिंग और एनआरएफ। और यार आपको कहूँ, डोंट बिलीव ऑन एनी रैंकिंग सिस्टम, ठीक है, क्राइटेरिया काफ़ी अजीब से क्राइटेरिया होते हैं जो कि मैटर ही नहीं करते यार एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो एक बार क्राइटेरिया देखो रैंकिंग्स का, तभी उन पर विश्वास करो, पेड भी होती है रैंकिंग्स काफ़ी सारी, तो डोंट बिलीव ऑन रैंकिंग्स। सो आगे हम लोग यार चलेंगे आपके एडमिशन क्राइटेरिया पर। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है यार, जोसा के थ्रू एडमिशन होती है, ठीक है, जोसा आपको मालूम ही हो गया, अगर जेई की प्रेपरेशन कर रहे हो, जोसा की काउंसलिंग के थ्रू आपकी इसमें एडमिशन होती है जेई के थ्रू, ठीक है। एमबीए आपका कैट मैट सी मैट के थ्रू होता है, ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। और आगे यार हमारी वीडियो मेनली फोकस रहने वाली है आपकी बीटेक के स्टूडेंट्स पे, ठीक है, बीटेक पर हमारा मेन फोकस रहेगा, ओके। सो अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर यार हम लोग देखें तो रिसर्च वर्क यार यहाँ की फैकल्टी का यार, ये अपने रिसर्च कल्चर को काफ़ी अधिक बोस्ट करते हैं अपने ब्रोशर्स वगैरह पे भी। तो अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो यार यूनिवर्सिटी ने ये है कि रिसर्च एंड कंसल्टेंसी वर्क यार आपकी जो फैकल्टी है ना वो हाईली इन्वॉल्व है आपकी AICT DST डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी UGC ISSR इसरो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह इन सबके साथ हाईली इन्वॉल्व है आपकी रिसर्च वर्क वगैरह में। तो ये यार काफ़ी अच्छी चीज लगती है यार देख के, तो सब देख लो अच्छा अच्छा गया, पर एवरीथिंग इज नॉट गुड अबाउट इट यूनिवर्सिटी, अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, तो उस बारे में भी बात करेंगे आखिरकार क्या चीज़ अच्छी नहीं है। कोर्सेज यार देख लो, ये सब कोर्सेज ऑफर होते हैं आपकी श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ पर ऑफर होता है और ये सब आपके कोर्सेज ऑफर होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे, ये कोर्सेज का ही हमारा वो यार, आपको PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी यार हम लोग शेयर करेंगे आपकी PDF, तो देख लेना यार सब डिटेल में, बोर नहीं करना चाहूँगा आपको। तो ये सब कोर्सेज होते हैं, स्कूल अलग अलग बने हुए हैं। और आपकी फीस कितनी है यार, फीस ये पुराना है थोड़ा डाटा यार, 3.6 या 5.6 लाख के बीच में आपकी BTech का कोर्स पूरा पड़ जाता है, ठीक है। 555 सीट्स होती है, 13 कोर्सेज हैं आपके बैचलर्स के, ओके। सो अगर आगे चलें तो सीधे आपकी फीस का एक यहाँ पर डाटा है, ठीक है, ये हमने डायरेक्टली जोसा की साइड से, जोसा आपकी जो सीट एलोकेशन अथॉरिटी है उनकी साइड पर हमने ढूंढा, तो वहाँ पर हमें ये फीस स्ट्रक्चर मालूम हुआ। अगर हम देखें तो ट्यूशन फी है 1,32,000, ठीक है। हॉस्टल तो आप लोगे यार क्योंकि फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल है आपकी टोटल ये देख लो यार, हॉस्टल आपका है अराउंड 20,000 के करीब आपके हॉस्टल चार्जेस हैं, ये आपकी टोटल 2,13,000 पड़ी यार। टोटल डिग्री यार यहाँ पर आपकी पड़ जाएगी अराउंड 1,08,000 तक आपकी टोटल डिग्री पड़ जाएगी, ठीक है, 4 साल की। और इट मीन्स कि आपको इस कॉलेज में प्लेसमेंट भी अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है, अगर आप इतना खर्च करने वाले तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो देखेंगे प्लेसमेंट भी आगे यार, क्योंकि मेन जो क्राइटेरिया होता है यार हम सबके मन में यार, ठीक है, वो यही होता है कि प्लेसमेंट भी अच्छी मिलेगी या नहीं, तो वो भी देख लेंगे ये आपके कोर्सेज यार। बाकी आगे इफ़ यू लुक हियर देन जेंडर वाइज कंपोजिशन काफ़ी अच्छा है यार, जेंडर वाइज कंपोजिशन है एक चीज़ यार जहाँ पर एक मैं काफ़ी बड़ा थम्सअप देना चाहूँगा इन्हें कि इनका जेंडर वाइज कंपोजिशन काफ़ी बढ़िया है। 50% फीमेल है यार आपकी टोटल यूनिवर्सिटी में, 50% मेल है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, आपके हॉस्टल में मेस कैसी है, लाइब्रेरी वगैरह कैसी है, वाईफाई वगैरह फैसिलिटीज़ है कि नहीं है यार, और भी बाकी क्या क्या पूरी फैसिलिटीज़ हैं उन सब के बारे में यार जल्दी से बात करते हैं। वाईफाई यार हर बिल्डिंग में, हर हॉस्टल में भी वाईफाई, JNK में आपको मालूम ही यार 4G बंद है अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, पर फिर भी यूनिवर्सिटी में वाईफाई चले हैं। मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और तब मालूम हुआ था कि वाईफाई वगैरह का काम ठीक से चला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो आगे अगर हम लोग चलें तो यार आपका है यहाँ पर कि लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है यार, 46,000 तक आपकी यहाँ पर बुक्स हैं, ठीक है, CDs हैं, DVDs हैं, 10,000 से ज़्यादा आपके ऑनलाइन जर्नल्स हैं, ठीक है, और आपके ई रिसोर्सेज इंटरनेशनल पब्लिकेशन थ्रू ई सिंधु जो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी होती है हमारी गवर्नमेंट की, उसके थ्रू ये सब ई रिसोर्सेज वगैरह मिले हैं यहाँ पर आपके जिन्हें भी रिनाउंड पब्लिशर्स वगैरह उन सबसे। आगे हॉस्टल्स की बात करें, ठीक है, लाइब्रेरी मीन्स अच्छी खासी यहाँ पर बुक्स वगैरह हैं, सब बढ़िया है, ठीक है। तो आगे देखें यार एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स कि यहाँ का स्पोर्ट्स के लिए आपको फैसिलिटीज़ भी अधिक होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स यार यहाँ के ये रोकते नहीं है बच्चों को, ठीक है, फ्रीडम होता है स्पोर्ट्स के लिए, सब कुछ है, ठीक है। हॉस्टल्स की बात करें तो सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर गेम्स आपके हॉस्टल्स में, हर हॉस्टल में अलग अलग है जहाँ तक हमें मालूम हुआ, ठीक है, हर हॉस्टल में अलग अलग है। एकोमोडेशन सिंगल डबल एंड ट्रिपल सीटेड है, डबल ट्रिपल आपके बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और आपके फैकल्टीज़ के लिए भी यार अपार्टमेंट वगैरह है। बॉयज़ हॉस्टल की यार आपके वही सब बात होगी, और गर्ल्स हॉस्टल की यार टाइमिंग है 8 PM, बॉयज़ की मालूम नहीं, शायद नहीं है वहाँ पर कोई टाइमिंग, मतलब कोई 8-9 बजे वाली टाइमिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें यार आगे आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को देखें तो यार आपकी स्पोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर सब की सब जो आपके दिमाग में आती है ना स्पोर्ट फैसिलिटीज़, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इफ़ यू लुक हियर बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, एथलेटिक फील्ड, खो खो,
फील्ड, खो खो फील्ड है, कबड्डी के लिए फैसिलिटीज सबके सब अवेलेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट यार यहाँ पे जे एंड के में यार काफ़ी अधिक खर्चा वगैरह भी करते रहते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट फैसिलिटीज बढ़िया हैं, थम्स अप एक कोर। अगर हम देखें तो बाकी गेस्ट हाउस भी है यार, आपके जितने भी आते रहते हैं पेरेंट्स वगैरह उनके लिए होता है, पर काफ़ी अधिक भरा रहता है, ठीक है, जब एडमिशन का टाइम होता है। लेक्चर थिएटर, कॉन्फ्रेंस रूम है, जे एंड के बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, उनका एटीएम भी है, बैंक भी है, बीच में पोस्ट ऑफिस है, अंदर ही शॉपिंग कम्प्लेक्स है, और यार इनका अपने बीच में गैस एजेंसी भी है स्टूडेंट्स की, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। मैथ्स ओकेश क्वालिटी की है, ठीक है, ओकेश मीन्स सर्वाइविंग है, ठीक है, अबव एवरेज, एवरेज काइंड ऑफ, ठीक है, एज पर योर टेस्ट बड्स। सो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपकी इंजीनियरिंग देख लो यार। तो आगे हम यार गूगल मैप भी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये आपकी थोड़ी कैंपस लाइफ देखो यार, ये आपका क्लासरूम है, ये देखो क्लासरूम है आपका, एंड हियर यू कैन सी लॉन में स्टूडेंट्स है यार। और एक बात बताऊँ आपको, तो यार आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, कई सारे वहाँ पर काफ़ी अधिक यार रिस्ट्रिक्शन होती है बच्चों पे, और इनके फेवर में यार, इन रिस्ट्रिक्शन के फेवर में मैं तो नहीं हूँ यार बिल्कुल भी, क्योंकि यार बच्चे हैं तो जो यहाँ तक पहुँचे हैं मेहनत करके आए हैं, पूरी तरह से वेयर वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, ठीक है, सब कुछ यार चल रहा है काम मजे से, कैफेटेरिया है यार कॉलेज में, नेस्कैफे है, ठीक है, आपका टेडएक्स के भी होते रहते हैं यार एपिसोड वगैरह, यू कैन सी हियर टेडएक्स, आगे फुटबॉल टीम इन एक्शन, कैंपस प्लेसमेंट विनर, कोई कप जीता है यार, तो सब देख लो। एलुमनीस के भी मीटअप वगैरह होते रहते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लोग आते रहते हैं इधर, ठीक है। अगर हम सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या आता है, जो भी यार फैसिलिटीज है उसी में है ये चीज़, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस है, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है फॉर फैकल्टी, वाटर सप्लाई ग्रिड अपनी है यार इस यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा एरिया, तो अपनी ग्रिड है वाटर सप्लाई के लिए। और आगे यार देखें तो जो भी है यार सब देख लो, 5 हॉस्टल हैं बॉयज़ के लिए काफ़ी बड़े बड़े यार, ऑडिटोरियम काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इंडोर जो भी है मेडिकल एड के लिए सब कुछ है यार, हेलीपैड्स भी हैं यार कॉलेज में। सो यहाँ पर देखो यार आप लोग, ये आपकी जो है मेडिकल एड, आपका हॉस्पिटल है कॉलेज में, ठीक है, ये आपका वॉलीबॉल के लिए आ गया, ये आपकी कॉलेज में जो जिम है वो आ गई, नेस्कैफे कॉलेज का, ये आपका ऑडिटोरियम देख लो यार। यार आप लोग ये देख सकते हो, इनकी साइट पर काफ़ी अधिक इमेजेस वगैरह भी अवेलेबल हैं, ठीक है, और आगे देखें तो यार ये सब देख लिया आपने, ठीक है, ये है आपका मैप के ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आपका मेन कॉलेज आ गया, ठीक है, मेन कॉलेज का जो कैंपस है वो आ गया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर आपका जो है ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर मत्रेगा ऑडिटोरियम दिख रहा होगा, ये वाला ऑडिटोरियम है, ये आपका नेटवर्क सेंटर है, यहाँ पर एक आपका इंक्यूबेशन हब भी है यार यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, देखा था आप गूगल मैप्स पर, आप भी देख सकते हो, पर फिर भी ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, जे एंड के बैंक भी है, यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है, ये आपका नेस्कैफे है कॉलेज का, ठीक है, एंड इट इज़ योर ग्रोसरी स्टोर इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे देखें थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको ये हॉस्टल्स है यार आपके, ये आपका फैकल्टी क्वार्टर्स हैं, ये आपके हॉस्टल हैं, हॉस्टल्स वगैरह की बिल्डिंग देखो यार कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है, एंड इफ वी गो अहेड देन हियर इज योर यूनिवर्सिटी। तो ये देखो ये है आपका, काफ़ी वाइड कर दिया वो, यहाँ इस साइड पर भी आपके हॉस्टल्स हैं, ठीक है, इस तरफ भी आपके हॉस्टल्स हैं, इस तरफ मीन्स आपकी जो ये वाली लोकेशन है ना इस जगह पे, इसके जो इधर जगह होगी यहाँ पर भी आपके हॉस्टल्स हैं, ठीक है, और ये एरिया काफ़ी बड़ा है, स्केल काफ़ी बड़ा किया हुआ है, क्योंकि 473 एकड़ एरिया काफ़ी अधिक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आपको जानना चाहो तो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मुद्दे पर, कट ऑफ वगैरह पर आएंगे, ठीक है, आखिरकार कितना कट ऑफ है आपकी इस यूनिवर्सिटी के बी टेक के प्रोग्राम्स का। बी आर के लिए कट ऑफ देख लिया, ठीक है, ठीक ठाक है, कमी यार लोग करते हैं। सी एस कंप्यूटर साइंस का आपका कट ऑफ है 25 यार, अराउंड 26 से लेके 35 एंड समथिंग कट ऑफ यार काफ़ी ऊपर तक जाता है, अधिक कट ऑफ है, अधिक मीन्स हाई नहीं, लो कट ऑफ है काफ़ी अधिक, ठीक है। या आपकी NITs लाइक योर अगरतला वगैरह के जो NITs हैं ना, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न NIT जो पुरानी वाली हैं अगरतला एंड सिलचर, उनसे भी काफ़ी अधिक है, ठीक है, बच्चे मीन्स बाहर के बच्चे तो यार प्रेफर नहीं करते। और यार यहाँ पर एक ग्राफ भी है, ठीक है, आई ट्राई टू शो यू, यहाँ पर आप देखोगे ना कि इस पीक पे आपके J&K के बच्चे, इस पीक पे बिहार के बच्चे, और इस पीक पे बाकी स्टेट्स के, बिल्कुल कम कम एक एक बच्चा पढ़ता है, बाकी मींस हाईएस्ट जो बच्चे अधिक बच्चे हैं वो J&K के ही पढ़ते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों की यार इतनी जानकारी नहीं है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मे भी यही कारण हो, क्योंकि J&K में यार कम ही ज़्यादा अवेयरनेस है JEE वगैरह की, अभी हो रही है धीरे धीरे, पर कम ही है, इसलिए मे भी कट ऑफ इतना चल जाता हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ, मैकेनिकल का, सिविल का, और इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसी भी यार सुने की फैकल्टी अच्छी है इसी की, ठीक है। और आगे प्लेसमेंट्स पर आते हैं यार, जो मेन मुद्दा है आपका प्लेसमेंट, आखिरकार इतना खर्च करेंगे भैया, इतना कुछ हम लोग करने वाले हैं, तो प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी, यार बस खज्जल ही हो जाएंगे बस,
ठीक है, कि बस ऐसे आवारागर्दी करके कहीं पे ऐसे नहीं टाइम बर्बाद हो जाए अपने 4 साल। तो यार प्लेसमेंट यहाँ का जो मीडियन पैकेज है वो 4.5 आपकी एवरेज मैंने पढ़ी थी कहीं पर, ये आपकी ऑफिशियल फिगर नहीं है, नॉट ऑफिशियल, पर जो ग्राफ है वो ऑफिशियल है, ठीक है, ये आपकी नॉट ऑफिशियल है। और जो एवरेज मैंने देखी थी, ठीक है, स्टूडेंट्स से बात करके देखी थी और आपकी जो एवरेज कैलकुलेट की थी उन्होंने, वो अराउंड 3.6 और 3.7 इसके बीच में आती है लैक पर एनम, ठीक है। ये आपके मास रिक्रूटर के आपको यहाँ पर एक आपको कह सकते हो कि खुशबू आ रही होगी, यार मास रिक्रूटर ज़्यादा आते हैं मीन्स यूनिवर्सिटी में, मैं भी कह सकते हो यार कि मास रिक्रूटर ज़्यादा आते हैं, कि इतने जो पैकेज आते थे मतलब मास रिक्रूटर्स की ज़्यादा अपनी पकड़ है इस यूनिवर्सिटी पे। तो रिक्रूटर देखो यार इस साल आए थे आपके अराउंड 22 से 23 रिक्रूटर आए हुए थे, ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो तो 2018-19 में तो यार बिल्कुल कम हो गए, मीन्स कंसिस्टेंसी नहीं है प्लेसमेंट्स में, कितने आए 20 से भी कम। अगर आप देखो तो यहाँ पर तो 24 तक रिक्रूटर्स आए आपके 2019-20, मीन्स जो पिछले सेशन की आपकी प्लेसमेंट्स हुई थी इतने से रिक्रूटर आ रहे हैं। तो यार टेंशन की बात है, ठीक है, बात टेंशन की ही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा खुशखबरी की बात नहीं है ये बिल्कुल भी। अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर आपकी कैंपस सिलेक्शन है, जो कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है ये उसका है 150, 100 से भी कम 200 के करीब, 175 के करीब, अच्छा नंबर नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो हमने नॉर्थ ईस्टर्न NIT से, वहाँ पर भी इतना बुरा नंबर नहीं होता है। तो आगे हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पर रिक्रूटर्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये आपका इन्फोसिस है, ठीक है, इन्फोसिस मीन्स आपका मास रिक्रूटर है ये आपका, ठीक है, काफ़ी बड़ा मास रिक्रूटर है इन्फोसिस। और ये मास रिक्रूटर क्या होते हैं, ये आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, अगर मालूम नहीं है तो बता देता हूँ, सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है। इन्फोसिस आपका 3.5 तक पैकेज देता है, ठीक है, 3.5-3.6 तक पैकेज देता है आपका इन्फोसिस, वो अराउंड 40 बच्चे लेके जा रहा है, ठीक है। विप्रो भी मास रिक्रूटर है, वो भी अराउंड 20 ले रहा है, ICICI बैंक भी 15 ले रहा है, आगे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। ICICI बैंक का जॉब प्रोफाइल कौन सा, जॉब प्रोफाइल भी मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो यार TCS जो है आपका एक आपका निंजा का होता है, इनका प्रोफाइल उसके लिए 3.6 तक देते हैं, पर जो दूसरा प्रोफाइल होता है यार उसके लिए आपके कितना होता है अराउंड 6 और 8 तक होता है यार, अच्छा होता है यार, पर ये भी पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखते हैं है कोई अगर या नहीं। तो यहाँ पर देखो ICICI प्रूडेंशियल इनका है 20 बच्चे, ये भी उठा रहे हैं, ये ICICI बैंक भी इतने उठा रहा है, कॉग्निजेंट आपका अराउंड 10 से कम उठा रहा है, सीज फायर इंडस्ट्री भी आ रही है यार, बर्जर पेंट्स आपका एक ही बंदा उठा रहा होगा, यहाँ दो कंपनीज देखो, ये आपकी कौन सी है, एरिक्सन है ग्लोबल, ये भी 15 उठा गया, HDFC अराउंड 5, महिंद्रा ने भी उठाया अराउंड 5 बच्चे यार, कंपनी तो एक मॉर्गन स्टैनले कंपनी है, HDFC बैंक जो मतलब तगड़ी कंपनी है, बाकी तो कोई तगड़ी कंपनी देखने को नहीं मिली। और ये स्टैट्स हमने ऑफिशियल साइट से लिए 2019-20 के, और जो कॉमन रिक्रूटर्स हैं वो हैं ये सारे, इन्फोसिस, TCS, क्यूमिंस, ओरेंज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, हाँ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, या भी ये सब आपके जो हैं कॉमन रिक्रूटर्स हैं, देख लो जो इन इंडियन नेवी वगैरह, ये सब आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं लाइक TGC वगैरह के, उनके थ्रू ये बच्चे गए होते हैं, ठीक है, आपके इंडियन आर्मी वगैरह में जो इंजीनियर्स एंट्री वगैरह रहती है ना उसके थ्रू। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी SM वीडियो कटरा, तो आई होप कि रिव्यू तो यार आपको मालूम हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है यार। तो चलिए अभी बात करते हैं यार आखिरकार इस यूनिवर्सिटी को जाना चाहिए हमें नहीं जाना चाहिए। पहली बात, अगर आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है देन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रियली लॉट मोर बेटर देन अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज है फिर भी काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उसके बाद की बात यार कंपैरिजन देखें यार JNK के जो बच्चे होते हैं ना मींस जो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं वो इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, अवेयर बच्चे जिन्हें पूरी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी कॉलेज की एक मार्केट जितना भी काम है यार जो चलता है जिन्हें इसकी नॉलेज है वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी इतनी अधिक, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इस यूनिवर्सिटी में वो बात नहीं है जो आपकी IITs वगैरह जो आपके Tier 1, Tier 2 वगैरह के कॉलेज में है, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट देखो यार प्लेसमेंट ने उदास कर दिया, निराश कर दिया बिल्कुल, ठीक है। सो इस यूनिवर्सिटी का NIT श्रीनगर वर्सेस SM वीडियो कटरा देखें तो यार आई विल रेट NIT श्रीनगर इज बेटर देन SM वीडियो, ठीक है, NIT का टैग है। दूसरी बात यार आपकी पुरानी है, 1960 से है, एलुमनी बेस ज़्यादा है, NIT श्रीनगर का सब बेटर है। NIT श्रीनगर में सिविल सर्विसेज की सिलेक्शन काफ़ी अधिक होती है यार NIT श्रीनगर पे, पर यार एट द एंड पढ़ना आपको ही होता है, ठीक है, फ्री टाइम अच्छा होता है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आगे आपकी चॉइस है यार, अगर आपका रैंक यहाँ पर फॉल करे तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, यू कैन रेट इट बेटर दैन न्यूअर IIITs और न्यूअर NITs लाइक NIT उत्तराखंड, बट आगे आपकी चॉइस है यार कहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, आई विल रेट इट एज योर Tier 3 कॉलेज, ठीक है, इन मैटर ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स इतने थे यार आज के हमारे इस वीडियो में,
ऐसे ही यार आपके लिए नए नए कॉलेज रिव्यूज वगैरह हम लोग लाने वाले हैं यार। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और लिंक्डइन पर यार कनेक्ट भी हो सकते हो यार अगर कोई आप चाहो तो। फ्रेंड्स लेट्स एंड इट।